चेतेश्वर पुजारा ने 13वीं बार जड़ा दोहरा शतक, सौराष्ट्र का पहाड़ नुमा स्कोर। भारतीय क्रिकेट टीम की नई दीवार चेतेश्वर पुजारा ने साल 2020 की शुरुआत में ही दोहरा शतक ठोक अपनी तैयारी का नमूना पेश कर दिया है। पुजारा ने रणजी ट्रॉफी 2019-20 ग्रुप बी मैच में दूसरे दिन रविवार को कर्नाटक के खिलाफ 248 रन की पारी खेली, जिसमें उनकी टीम ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 581 रन बनाकर घोषित की। पुजारा और जैक्सन ने तीसरे विकेट के लिए 294 रन बनाकर साझेदारी की। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे प्रेरक ने भी शतक जड़ा। पुजारा आज 162 जबकि जैक्सन ने 99 से आगे खेलने उतरे। पुजारा ने 390 गेंद का सामना करते हुए 24 चौके और एक छक्का लगाया, जबकि जैक्सन ने 299 गेंद की पारी में 7 चौके और 6 छक्के जड़े। कर्नाटक की ओर से जगदीश पवन और प्रवीण दुबे ने 2-2 विकेट चटकाए। कर्नाटक की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दिन का खेल खत्म होने तक सलामी बल्लेबाज देवदत्त का विकेट गंवाकर 1 विकेट पर 13 रन बनाए। कर्नाटक की टीम अब भी सौराष्ट्र में 568 रन के पीछे है। पुजारा के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का ये 13वां दोहरा शतक था। भारत के लिए सबसे अधिक दोहरा शतक जड़ने के मामले में पुजारा टॉप पर है। इसके बाद दिग्गज विजय का नंबर आता है, जिनके नाम 11 दोहरे शतक हैं। चेतेश्वर पुजारा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।